तो आपने देखा होगा टैली में सेल्स बाउचर्स। तो सेल्स बाउचर्स का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें माल की विक्रय की एंट्री करना हो, संपत्ति के विक्रय की नहीं, किसकी, माल के विक्रय। अब चाहे माल का विक्रय नगद हुआ हो या उधार हुआ हो, नगद में कैश और बैंक कहलाएगा और उधार में सीधा पार्टी का नाम पर हमें लिखना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया कि इसमें हमेशा माल के विक्रय की एंट्री करते हैं। अब लिखा है इस बाहुचर्स को सामने लाने के लिए, क्या लिखा है, इस बाहुचर्स को सामने लाने के लिए फंक्शन की F8 प्रेस करते हैं। क्या करते हैं, F8 प्रेस करते हैं। तो हम बाउचर्स पे जैसे ही गए और फंक्शन की F8 प्रेस किया, तो यहां पर दिखाया जा रहा है सेल्स, फिर यहां पर डेट, रेफरेंस नंबर लिखा है, पार्टीज अकाउंट्स नेम, क्या लिखा है, पार्टीज अकाउंट्स नेम। तो पहले इसमें रूल्स होता है, जब हम कौन से मोड में बात बात करते हैं, इनवाइस मोड, कौन से, इनवाइस मोड में जब भी हम एंट्री करते हैं, ये लिखा एज इनवाइस मोड, लिखा है एज बाहुचर्स एज इनवाइस। तो इनवाइस मोड पर होते हैं तो उसमें नियम होता है, पहली एंट्री डेबिट होती है। क्या होती है, पहली एंट्री डेबिट होती है। तो पहली एंट्री डेबिट, अब हमने लिखा था, क्या लिखा था, अशोक को माल 10,000 रुपए का बेचा, ये 10,000 रुपए का माल अशोक को बेचा। तो सीधा लिखा है 10,000 रुपए का माल अशोक को बेचा। तो सबसे पहले हमें लेजर तैयार करना पड़ेगा। तो लिखा अशोक, अशोक को हम काय में डालेंगे, बेचा है तो पैसे लेना होंगे हमें, तो डेबिटर्स कहलाएगा। जिनसे पैसा हमें लेना होते हैं वो सारे के सारे डेबिटर्स, या जिनको माल बेचा जाता है उधार, वो डेबिटर्स कहलाते हैं। इस तरीके से अभी इसके बारे में नहीं बताते हैं। फिर ये आ गया, अशोक लिख दिया, फिर नीचे लिखा सेल्स लेजर। इसको भी अभी हम डायरेक्ट सेल्स में कर देते हैं, यहां अकाउंट आइटम वाइज ना करके हम अकाउंट इनवाइस के रूप में कर लेते हैं। तो अभी हमने इन्वेंट्री नहीं पढ़ा है इसलिए ऐसा किया है। तो फिर अल्ट सी करेंगे और एक और लेजर बनेगा, कौन सा, सेल्स विक्रय खाता बनेगा, उसको विक्रय खाते में सबमिट कर देंगे। फिर इसके बाद यहां फिर वही सुन लेना है सेल्स, क्योंकि अभी इन्वेंट्री में नहीं कर रहा है, अकाउंट वाइज कर रहा है। तो यहां पर 10,000 रुपये लिख दिया जाएगा, तो अशोक बटे सेल्स हो गया। इस तरीके से नरेशन लिखने के पश्चात इसे एक्सेप्ट के द्वारा सेव कर देंगे। क्लियर। तो उधार वाली एंट्री हो गई। अब दूसरी एंट्री सेल्स में लिखी थी कि 10,000 रुपये का माल बेचा। तो 10,000 रुपये का माल बेचा में एक तो कैश अकाउंट आया, दूसरा सेल्स आया, तो दोनों ही इसमें बने हुए हैं। सेल्स भी बना दिया था, कैश ऑलरेडी बना हुआ है, तो यहां पर हम कैश का सिलेक्शन करेंगे और इंटर की करते हुए यहां सेल्स और यहां पर फिर से पुनः सेल्स, यहां 10,000 का अमाउंट, जी नगद विक्रय हो गया। ठीक है, लेकिन हमें एक बैंक चेक प्राप्त हुआ है, तो बैंक में हमने जमा कर दिया है वह चेक। तो हमने क्या किया, फिर एक अल्ट सी करके एक SBI मान लिया कि SBI बैंक में हमारा खाता है, उसमें हमने चेक को जमा कर दिया है, एक्सेप्ट। और इस तरीके से हम सेल्स की भी एंट्री दे
तीनों प्रकार से कर सकते हैं जे बैंक में पैसा चला गया। क्लियर। तो ये तीन एंट्री हमने कर दी, कौन कौन सी पेजअप के द्वारा देखें। पहली एंट्री की उधार की क्या लिखा, बाय अशोक टू सेल्स, फिर लिखा नगद विक्रय की बाय कैश टू सेल्स, फिर लिखा बाय SBI टू सेल्स, इस तरीके से एंट्री की। यहां से हम मोड को बदल भी सकते हैं, देखिए हुआ क्या हुआ, बाय SBI टू सेल्स इनवाइस मोड में SBI सेल्स, तो इस तरीके से पेज डाउन कर दी अप कर दिया। देखिए इस तरीके से वाउचर मोड बाय कैश टू सेल्स, तो यहां से हम मोड भी बदल सकते हैं। ठीक है, दोनों मोड में हम एंट्री कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी एंट्री क्लियर बन जाएगी सेल्स में। तो सेल्स में केवल कौन सी एंट्री करते हैं, केवल माल के विक्रय की, चाहे वह माल नगद विक्रय हुआ हो चाहे माल उधार या क्रेडिट में हुआ हो, दोनों ही प्रकार की एंट्री इसमें की जाती है। इसमें हमने नोट लिखा है कि इसमें संपत्तियों के विक्रय को शामिल नहीं करेंगे, संपत्तियों के विक्रय को हम इसी वाउचर्स में इंटर करते हैं। ठीक है,